दूसरा सी लूंगी मैं, वहां तुसी है सिवाय के मैं सी दूंगी। सिवाय के सी देंगे, देखो भाई पैसा को लालच आ गया तुम्हारी मीनू नागर को। नहीं करूंगी बेटा, अब तो सारी वीडियो कह दो गई है। ये तो गलत बात है यार, मैं कह रही सारे घर को काम भी कर लूंगी, सिलाई भी करूंगी, पर मेरे सूट तो सिया मेरे सूट सिलाई के मैसे बताओ, सिलाई के मैसे मेरे तो मजे के ये सिएंगे। मैं ये तीनों सूट से है भाभी और ये दोनों, मैं तो बैठ के नहीं फ्रॉम सिवा मैं डिजाइन कर रही हूं उनके सूट। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। मैं हूँ मीनू नागर और आप सबका अपने मीनू नागर फैमिली व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो ज़ोरदार हो रही है बारिश, दिखाती हूँ आपको। और इस ज़ोरदार बारिश में मनीषा जी का ऑर्डर हो रहा है नेहा जी का कि कचौरी बनाओ, तो देखते भाई आज हम बनाने वाले कचौरी, और दिखाती हूँ आपको कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है फ़िलहाल। ये आप देख सकते हो बारिश हो रही है ज़ोरदार एकदम। ये जोरदार बारिश हो रही है, तकड़ी तकड़ी बारिश पड़ रही है। इस बारिश में कचौरी खाने को तो मज़ा ही कुछ अलग है। तो अभी बनाएंगे गरम गरम कचौरी, करते ही कचौरी बनाने की तैयारी पूरी। काफ़ी तेज़ बारिश होते हुए नज़र आ रही है, बादल देखो कैसे काले बादल हो रहे हैं, बिल्कुल घटाए जा रही है पानी लेने हरिद्वार। ये देख सकते हो आप, पेड़ भी नहा लिया आज तो, पेड़ भी सुंदर लग रहे देखने में। हमारे देखो कौन कौन छोटे थे, जब जो निमौली होती है नीम की, इनको आम बोलते थे जब हम खेलते थे, तो इनको निमौली बोलते थे आम को। और जब ये मनीषा जो हंस रही है मेरे पर, मैं इसकी एक्टिंग करने लगूंगी तो ये रोने लग जाएगी, ठीक है। तो पेड़ पे आम लग रहे हैं, और जो हम छोटे छोटे खेलते थे तो इनको आम मतलब बना के ऐसे खेलते थे, घर घर खेलते थे। हाँ जी, तो मैं अभी चुड़ैल को दिखाती हूँ जो अभी सिलाई कर रही है। क्यों ना दिखाऊंगी, अब तो ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए अभी मैं मनीषा को दिखाती हूँ आपको क्या कर रही है। तो ये नेहा है, अभी तो हो रहा बुखार, अभी बारिश में भी हिस्सी डोल रही है। एक और जो बैठ जाता कल बार दूंगी, मार दूंगी यार तो बुखार में, तेज बुखार हो जाए। जो भाषा है हमारी भाषा बोलेंगे एकदम जिन्ने वाली सी दी। बताओ क्या चीज के बारे में भाई, तुम तो समझ जाओगे जो एक्सीलेटर है। तो हम खुद के सिलेक रहे हैं, पर अभी हमारे पास ना बहुत सारे मैसेज आने लगे कि दी हमारे सूट सिल दो, तो हमने भी अब सिलाई चालू कर दी, मतलब हम बाहर के भी सिलने लगे। तो पहले हमारे अंदर आलस था कि हम अपने अपने सिल ले, हुई बहुत है, लेकिन अभी आलस को परे रखते हुए जब हम एक दो सिले तो हमने सोची चलो हम सबके ही सिलाई कर देते हैं। हमने सिलाई शुरू कर दी, अगर किसी सूट सिलवाना हो तो सिलवा सकते हो, है ना। ये बहुत प्यारा सूट है, जो भी किसी का सिलने के लिए आया बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो। तो इसकी अभी सिलाई चल रही है और ये सिल रहे हैं हम। अगर आप में से भी किसी को सूट सिलवाना है मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, आसपास से जो भी है कहीं से भी है। तो भाई हमने सिलाई शुरू कर दी है, डिजाइन और मतलब बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं सबके। तो भी हमारा आपका सूट बहुत अच्छा मतलब सिल रहा है, हमें भी सिलवाना है। तो एक दो ज़्यादा ही कहने लगी, फिर मैंने सिलाई शुरू कर दी। हम मतलब दोनों बहनों ने तीनों ही सिल लेते हैं वैसे तो, और अगर आपसे सिलवाना है तो आप डीएम कर सकते हो। चलिए तो अब कचौरी पर फोकस करते हैं। भाई आज भी थोड़े से लग रहे मुँह उतारू थोड़े बाल, मैंने थोड़े क्यों बाल हो, तो मुँह समझ में आती आड़ू है ना घर में हैंगे पर मन लिए हमेशा, या नेहा पे आलू उबालने में रखने में बड़ा जोर पड़ रहा है। देखियो अब तू ही देख ले, तनक से आलू है बता।
कैसे मतलब इतना बड़ा परिवार है यार, देख तो लो आड़ू मुझ पर जो कचौरी भर भर के बने हैं यही अच्छी लगे, भरवा कचौरी अच्छी लगे। आज खाली खाली कचौरी तू ही बना दी, जो मैंने बनाने की हूँ इन्हें। हेलो जी, कैसे हो सब? तो मैं बना रही हूँ कचौरी, बाहर हो रही है ज़ोरदार बारिश जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और सुबह 4 बजे से लगे हुए घर के काम ये लगा लो निमटने का नाम ही नहीं लेते, पूरे दिन लगे रहो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला जाता है। सो अभी हम दोनों बहनों ने पूरा घर का काम किया, मैंने और नेहा ने झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम ख़त्म होने के बाद इन दोनों बहनों की फरमाइश हुई जब मैं खाना बनाने जा रही थी कि बहन कचौरी बना ले, बारिश पड़ रही है, आलू प्याज की कचौरी बनाने वाली हूँ भाई मैं। और मनीषा लगी हुई है सिलाई में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम सिलाई का काम करने लगे हैं, मतलब पहले तो नहीं कर रहे थे क्योंकि फिर जो हमारे इंस्टा फॉलोअर्स हैं कुछ उनकी डिमांड आ रही थी कि दी हमारे भी सूट सिलो, हमारे भी सूट सिलो, तो इसलिए अभी हमने स्टिचिंग का काम शुरू कर दिया है, सूट सिलाई वगैरह का कुछ भी अगर आप सिलवाने तो बता सकते हो। सो अभी तो करते कचौरी पर फोकस, आ जाइए आप भी खा लीजिए, गर्मा गर्म कचौरियाँ बनने वाली हैं आज, आप सबको इनवाइट कर रही हूँ अपनी तरफ से। तो भी मैंने बनानी स्टार्ट कर दी कचौरी, और मेरी हालत देख सकते हो, आंखों में आंसू भरे हुए, और ये तेल मैंने दुकान से मंगवाया कच्ची घानी सरसों का तेल, तो भाई इसमें इतनी ज़्यादा जलन है ना आँखों में, इतना बहुत ज़्यादा जलन सी होने लगी मतलब। और अभी हमारे घर की सरसों रखी हुई है, तो कोई भी अभी पापा जी अगर कोई निकलवा के नहीं लेके आ रहा है तेल को, मैंने बोला है सरसों रखी हुई है तेल निकलवा लो, घर के तेल की बराबर किसी तेल की होड़ नहीं कर सकते। और जो दूसरा वाला तेल है वो मंगवाया, उसमें पता नहीं कैसी अजीब सी स्मेल आ रही थी मिट्टी के तेल जैसी, पता नहीं अच्छा वाला तेल नहीं लगा मुझे तो, कोई से भी तेल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जब हम घर की कोई चीज़ इस्तेमाल करते तो हमें बाहर की उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है उसमें। क्योंकि जो मैंने ये वाला तेल मंगवाया कच्ची घानी वाला, मेरी दीदी कर रही है अपनी सूट पर तुरपाई, मेरे पे इन्होंने कर दी, ये वाली लटकन तैयार हुई है भाई, बहुत सुंदर सूट सिला हुआ है, कल पहनेंगे हमने ना फिर दिखाएंगे आपको, बैक देख सकते हो फ्रंट नहीं, क्यों फ्रंट क्यों ना फ्रंट फ्रंट जब देखें जब पह रहे हो सस्पेंस में रखोगे जी। नेहा जिस गीत पर तेरे डांस कराओ ना, एक बहन की कमेंट आ रही है कि वो हमारे गीत है प्लीज प्लीज गा कर जरूर सुनाए। कौन सा गीत पर डांस कर रहे हैं? जा गीत पर तेरे डांस कर रहा हो। अच्छा हेलो, तो जिस गीत पर आपने डांस किया था तो वो आप गा के सुनाए। अच्छा गा कर सुनाना पड़ेगा, हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्हें वो सीखना है, तो अभी नेहा गा के सुनाती हूँ वो वाला गीत आपको। शर्म से हरिओम गीत के मतलब बिगर गीतन के कहीं गाना ढोलक के बिगर पड़ जाके गानो कोई नहीं, ये हमारा जो बहुत सारे इंसान है जो तुझे देखेंगे यहाँ पे, तू बिना पड़ जाके मत समझ, पड़ जा बहुत है जो बैठी हुई है, हाँ तेरे गीत सुनेंगे आज बैठ के, तो ये सोच कि तेरे गीत सुनने को बहुत सारी प्रजा बैठी हुई है, और अभी तूने गाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरी मदद भी कर
पड़ जा, मैं हूँगी तेरी मदद करने। अच्छा, तो वो वाला गीत नहीं, एक मजाक और हंसी जैसे सासु ननद के लिए गाते हैं ऐसे कुछ, तो उनके लिए है। हाँ, ये जैसे मतलब हंसी मजाक के गीत है। हाँ, तो वही है बस। अभी नेहा गा के सुनाएगी, नेहा गा के सुना रहे। उठाओ उठाओ, वजन बहुत है मेरे पर उठाने का। कोठे बीच दमाद में हो रही, कोई ना आवे छुटाने को। अरे कोठे बीच दमाद में हो रही, कोई ना आवे छुटाने को। अरे दूध बिलोती सासू आई, आई मेरी शौक छुटाने को। अरे दूध मिलोती सासू आई, आई मेरी शौक छुटाने को। अरे हाथ पैर वके चले छुटाने, नैन चले पिटवाने को। हाथ पैर वके चले छुटाने, नैन चले पिटवाने। तो फिर नेक्स्ट जेठानी के लिए बोलेंगे, ऐसी जेठानी को बोले, जेठानी के लिए कहेंगे। रोटी पोती जिठणी आई, आई मेरी शौक छुटाने को। अरे रोटी पोती जिठणी आई, आई मेरी शौक छुटाने को। अरे हाथ पैर वके चले छुटाने, नैन चले पिटवाने। फिर दूसरा स्टेप होगा देवरानी के लिए। हाँ, देवरानी के लिए बोलेंगे, झाड़ू लगाती हिरणी आई, आई मेरी शौक छुटाने को। झाड़ू लगाती हिरणी आई, आई मेरी शौक छुटाने को। अरे हाथ पैर वके चले छुटावण, चले पिटवाने को। और चौथा स्टेप बोलेंगे हम नंदी के लिए। भारे से मेरी नंदी आई, आई मेरी शौक छुटाने को। अरी बार घूमते कोठे बीच दमादम हो रही, कोई ना आया छुटाने को। फिर नंदी के लिए बोलेंगे, हाथ पैर उसके चले छुटावन, नैने चले पिटवाने को। तो ये है, पसंद आया इसलिए हमने अपने इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट करी। तो इसके लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, जो कोई न्यू है, जिनके जिनको ये व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना चैनल को, और व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सूट बहुत प्यारे हैं, तो थैंक यू मनीषा, शायद मनीषा भाटी है। और जिया खारी बहन बोल रही है कि बहुत वेट करवाते हो ब्लॉग के लिए। सॉरी बहन, अब से कोशिश करेंगे आपके लिए जल्दी डालना है। आजकल जो है ना, तबीयत सबकी ऐसी ही चल रही है बस। एक तो बारिश हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं हमारे सब। मैं बीमार हुई, कल मनीषा दी हुई, मैं हुई, सारे बच्चे हुए, तो इसलिए ब्लॉग बन नहीं पा रहे। फिर एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है बनाने के बाद, समझ तो अभी यही चल रहा है बस। और अभी आपके लिए व्लॉग हमारे मायके का आने वाला है, वो भी आपको पसंद आता है। मायके का बहुत ज्यादा मायके का व्लॉग आने वाला है, क्योंकि हम ना और वहां पे कोई फंक्शन है। अब आप खुद देखना कि क्या है। तो अभी इस व्लॉग का करते यही है, और मिलते हैं आपसे कुछ प्यार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए, सबके लिए दिल से थैंक यू। और जो भी प्यारे प्यारे कमेंट करता है उसके लिए सच में ही दिल से थैंक यू। ओके, बाय।